क्या सच में बहुत खतरनाक होने वाला है 14 दिसंबर 2020 वाला जो सूर्य ग्रहण है, जो सन इक्लिप्स है, इसके बारे में मैं कुछ जानकारियाँ आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज मेरे पास लगातार आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं आप लोग। देखिए गाइस, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नियम, जो भी रूल्स होते हैं, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो ज़रूरी रूल्स हैं जो आपको डेफिनेटली फॉलो करने हैं। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में ग्रहण के टाइम क्या किया था, वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम है श्वेता और मैं इस चैनल पे आप सभी के साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। ग्रहण का जो टाइमिंग है वो 14 दिसंबर को शाम 7:03 से ग्रहण स्टार्ट होगा और ये रात में 12:23 तक ग्रहण कंटिन्यू 5 घंटे के आसपास रहने वाला है। अब गाइस, यहाँ पे बात आती है, ग्रहण का इतना लंबा टाइम है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए गाइस, अगर आप ग्रहण में विश्वास रखती हैं तो आपको कुछ तरीके मैं बता रही हूँ, उन तरीकों को आप फॉलो कीजिए। देखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपके बच्चे को भी कुछ भी नहीं होगा। ग्रहण जो है, इसे बहुत सारे लोग अशुभ भी मानते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पे ये अपनी चीज़ें छोड़ जाता है। बिकॉज जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, उन पर सबसे ज़्यादा असर ग्रहण का ही पड़ता है। देखिए गाइस, ग्रहण स्टार्ट होने से पहले सबसे बड़ी बात, सूतक भी लगेगा और ये भारत में भी दिखाई देगा। सूतक लगेगा ग्रहण के 12 घंटे पहले से लगेगा। अब आपको क्या करना है, ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, आपको नहा धोवा के बैठे रहना है, हाथों में नारियल होना चाहिए और आपको अपनी लंबाई के धागे कट करके रखने हैं। कुछ भी खाना पीना चाहती हैं आप, उसमें तुलसी के पत्ते डालकर आप खा पी सकती हैं। ग्रहण स्टार्ट होने से पहले आपको नहा लेना है। ग्रहण के दौरान कोई भी कटिंग चॉपिंग नहीं करना है, सिलाई बुनाई नहीं करना है, नाखून नहीं काटना है, बालों को नहीं काटना है, मेकअप वगैरह भी करने की जो चीज़ें हैं ये सब कुछ आपको नहीं करना है। अच्छी तरीके से एक जगह पे बैठे रहना है। नींद आती है तो हाथ पैरों को सीधा करके आपको लेट जाना है। आप सोना चाहती हैं, आप सोइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं मेरी प्रेगनेंसी में 2 बार आया था ग्रहण और दोनों बार रात के ही टाइम था। देखिए गाइज, अगर दिन का टाइम होता तो आप नहीं भी सोती तो चलता, लेकिन रात का टाइम नहीं चलेगा। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी मेरी प्रेगनेंसी में सोई थी। तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपकी सोच है, हमेशा पॉजिटिव सोच की थॉट्स रखिए ग्रहण के दौरान। कुछ भी गलत नहीं सोचिए, आपके बच्चे के साथ कुछ भी नहीं होगा। गाइज, मैं हूँ, मैं यहाँ पे आप सभी को पूरी तरीके से सही तरीके से गाइड करने की कोशिश करती हूँ कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे ही ग्रहण जो होता है वो समाप्त होता है, इसके बाद आपको नहा धोवा कर भगवान की आपको एक बार पूजा कर लेनी होगी। देखिए गाइज, ग्रहण 12:30 रात में समाप्त हो रहा है 12:23 पे, फिर भी आपको गर्म पानी से 1-2 मग आप स्नान कर लो और भगवान के सामने हाथ जोड़ लो कि अगर कोई गलती हुई, कुछ भी हुई तो आप मुझे माफ़ कर देना। हालांकि आप सारे रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो, फिर भी आप ये चीज़ें, अगर आप, आई थिंक प्रेगनेंसी में लोग बहुत ज़्यादा गॉड में बिलीव करते हैं, क्योंकि जो बच्चा आ रहा है वो सब कुछ एक गॉड की देन होती है। तो इसलिए मैंने सोचा आप सभी के साथ ये सारी चीज़ें क्यों ना शेयर किए जाए। और गाइज, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, ग्रहण से बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण क्या है, ये एक खगोलीय घटना है और इस चीज़ को बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, इस बार का ग्रहण कैसा दिखने वाला है। हर कोई इंतज़ार करता है, हर कोई देखता है, लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ग्रहण का बिल्कुल भी, आपको ग्रहण कैसे लगा हुआ है वो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। पास में ना तो टीवी रखना है, ना तो मोबाइल रखना है, इन सारी चीज़ों से आप डिस्टेंस बना कर रखें, क्योंकि इसमें हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं इस टाइम में, और किसी भी तरह से आपका जो सूर्य ग्रहण का जो प्रकाश है वो आप तक नहीं पहुंचे। तो इन सारी चीज़ों से खुद को आपको बचा के रखना है। आई थिंक गाइस, सारी चीज़ों को आप समझ गए। अगर कोई भी क्वेरीज है, कुछ समझ अब भी नहीं आ रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकती हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए।